नमस्कार तेजिंदर जी, फाइव लोटस ओपीडी में ट्रीटमेंट लेकर आपको कैसा इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा है और पहले आपकी प्रॉब्लम कितने हद तक बढ़ गई थी कि फिर आपने सोचा कि नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट लेने का सोचें? हमारे साथ आप अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ थोड़ा शेयर करिए। 10-11 महीने से सर्वाइकल पेन से थोड़ा तकलीफ बहुत पा रही थी, रात को नींद भी नहीं आती थी, तो ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था पर उसमें उतना मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। ट्रीटमेंट आप तो एलोपैथी में? एलोपैथिक में ही करवा रही थी जी। तो फिर मेरे को यहाँ का पता चला, तो मैं यहाँ बिलीव तो रखती हूँ क्योंकि पहले भी मैं नेचुरोपैथी में जा चुकी हूँ जी। तो पहले जब आप जिस भी नेचुरोपैथी में गई थी तब मैं फिट थी, फिट होने के लिए जाती थी ऐसे। अच्छा, हाँ जी। तो तब आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं थी, पर मेरे को फेथ था कि नेचुरोपैथी में बंदे को अपनी मशीन की ग्रीसिंग करवानी चाहिए हफ्ते में एक बार। हाँ। मशीन को ऑयल मिलता है तो अच्छी चलती है जी। अब मेरे को प्रॉब्लम थी तो जब मैंने बोर्ड पढ़ा तो मैं यहाँ आई। पहले तो मेरे को पता ही नहीं चला इसका, एक महीने से अभी रेगुलर आ रही हूँ। तो मेरे को इतनी तकलीफ थी कि मैं गर्दन को रात को नींद भी नहीं ले पा रही थी, तक ये दो दो तीन दिन लगा के ऐसे बैठती थी। अब यहाँ आने लगा धीरे धीरे मेरे को, मतलब दो तीन दिन में ही अंतर दिखने लग गया था। अच्छा। फिर मतलब अभी रेगुलर 20-22 सिटिंग हो गई तो मतलब एकदम 75 तक मेरी गर्दन की तकलीफ क्लियर हो गई है, रिलीफ मिला। हाँ जी, आराम मिला है। अच्छा। और तो कमर में भी पेन था, उसमें भी मेरे को फर्क पड़ा है, कमर पेन में भी। तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट जिससे आपको ज़्यादा रिलीफ मिला? मेरे को जो आप राई का पैक गरम करके लगाते हो ना, उसमें ज़्यादा फर्क पड़ा। मतलब तीसरे दिन में जब मैं वो ली ना, तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं अभी 20-25% आज ही ठीक हो गई। अच्छा, राई का। और फिर यहाँ के ट्रीटमेंट से मतलब आपको पूरी तरह से? हाँ, मेरे को बहुत मतलब आने से ऐसा लगा कि यहाँ मैं ठीक हो सकती हूँ, इतना बिलीव हो जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तेजिंदर जी, आपने आपकी सारी टीम का और डॉक्टरों का जी। हम भी आपका बहुत 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 अच्छे से बात करते हैं, आधी तकलीफ तो वैसे ही दूर हो जाती है जी। धन्यवाद।